नमस्कार, मैं वारिस खान, HW24 न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। देवास जिले के हाटपिपरिया उपचुनाव में कांग्रेस और भाजपा में बहुत ही कश्मकश के साथ शह और मात का खेल शुरू हो गया है। भाजपा प्रत्याशी पूर्व विधायक मनोज चौधरी का ग्राम भील अमला में संपर्क कार्यक्रम था, उसी दौरान कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष बालू के गले में फूलों की माला पहने मोटरसाइकिल चलाते हुए पूर्व विधायक मनोज चौधरी उनकी मोटरसाइकिल के पीछे बैठे हुए फोटो वायरल हो गया, जिससे बताया गया कि ब्लॉक उपाध्यक्ष बालू भील भाजपा में शामिल हो गए। दूसरा मामला ग्राम और राजस्थानी के कांग्रेस सेक्टर प्रभारी बलराम मालवीय का पुष्पमाला पहने भाजपा नेताओं के साथ फोटो वायरल हुआ, जिसमें उनको भाजपा में शामिल होना बताया गया, लेकिन कांग्रेस ग्रामीण जिला अध्यक्ष अशोक पटेल ने इस मामले को झूठ ठहराया है। तो वहीं ब्लॉक उपाध्यक्ष बालू भील द्वारा भील अमला और सेक्टर प्रभारी बलराम मालवीय द्वारा और राजस्थानी में संपर्क किया, तो दोनों ने भाजपा में जाने का खंडन करते हुए कहा कि भाजपा के कुछ कार्यकर्ताओं ने जबरदस्ती फूल माला पहनाकर फोटो खींच लिया और फोटो को सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। हम तो कांग्रेसी थे और हमेशा कांग्रेसी ही रहेंगे। दोनों कांग्रेस नेताओं ने मीडिया के सामने भाजपा में जाने का खंडन किया और कांग्रेस में होने की बात कही। बागली संवाददाता की रिपोर्ट। पहले आपका एक फोटो वायरल हुआ था जिसमें बताया गया था कि आप भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए, क्या मामला है? ये सब झूठ बात है। बीजेपी वाले छोटे कार्यकर्ता से बड़े कार्यकर्ता झूठ बोलने सीख गया है और उनके साथ हमको झूठ बोलने सिखा रहे हैं। तो हम झूठ बोलेंगे नहीं, हम कांग्रेस के साथ में रहेंगे और कांग्रेस को जिताएंगे। हमारे विधायक जी महोदय राजेश बघेल को धन मन तन लगाएंगे, पूरे मालवीय सम्मान लगवाएंगे, मेरे कार्यकर्ता लगवाएंगे, मेरे बुजुर्ग मेरे पिते सम्मान लगाएंगे, टोटल लोगों हम कांग्रेस के साथ में रहेंगे, कांग्रेस को जिताएंगे। तो सोशल मीडिया पे तो यह वायरल हुआ था, क्या हुआ? जबरदस्ती में कार्य करते थे, उन्होंने जबरदस्ती माला डाल दी हमको। अच्छा। और व्हाट्सएप पर झूठ बोल के, हम झूठ नहीं बोलेंगे, हम कांग्रेस के साथ में कांग्रेस के साथ में रहेंगे। मतलब वो झूठी घटना है? वो झूठी घटना है। आप इतने मेरे सम्मान जितने कांग्रेस पार्टी के, मेरे पिते सम्मान, मेरे बड़े भाई सम्मान, सभी के साथ में रहेंगे और उनके साथ में जिताएंगे और रहेंगे। औरास्थानी और भीलामला का एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें कांग्रेस के जो कार्यकर्ता थे वहाँ के जो पुराने कार्यकर्ता, उनको बीजेपी में शामिल होना बताया जा रहा था और उनके साथ भाजपा प्रत्याशी के फोटो भी वायरल हो रहे थे। मामला है किस नज़र से देखते हैं? ये मनोज चौधरी जो है, इसे 50 करोड़ मिले हैं और हमारे कार्यकर्ता को जबरदस्ती हार पिरा कर बीजेपी में ज्वाइन करा था, पर वो पक्के कांग्रेसी हैं। उन्होंने हाथों हाथ हमारे यहाँ के चैनल वाले भैया गए भी थे, हाथों हाथ इंटरव्यू दिया कि हम कट्टर कांग्रेसी है, हमको खरीदने की कोशिश करेगा, हम नहीं खरीद पाएंगे क्योंकि हम कांग्रेस के पोलिंग में बैठने वाले कार्यकर्ता हैं। उन्होंने हाथों हाथ जवाब दिया है हमारे TV चैनल वाले भैया। जिस तरह से इन्होंने फोटो वायरल किया है, जबरन या झूठा भी जैसा भी हो, तो क्या नज़र से देखा जा रहा है? क्या घबराहट भरी हुई है जो जन सैलाब कांग्रेस के साथ उभर रहा है। कमलनाथ जी के साथ जन सैलाब चल रहा है, जहाँ देखो वहाँ जन सैलाब। कल देखो अजय भैया की कार्यक्रम था नेवरी में, करीब 2000 लोग थे। अभी केलोत में खुद के मनोज के गांव में 5000 से ऊपर पब्लिक थी। जीतू भी पटवारी की गाड़ी अभी लगातार। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल HW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकोन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।